दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले हार्दिक को किया अनफॉलो, अब अपने बयान से कप्तान रोहित ने मचाई है ऐसी सनसनी। टूट चुकी है मुंबई इंडियंस की कमर। तो आखिर कैसे रोहित और हार्दिक के बीच अब हो गया है 36 का आंकड़ा? आखिर कैसे बातों ही बातों ने रोहित शर्मा ने अब हार्दिक का विरोध करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ दी? आखिर अब मुंबई को छोड़कर किस टीम का दामन थामने वाले हैं रोहित शर्मा? कैसे अब उन्होंने खुद मुंबई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित के बाद हार्दिक, बुमराह और सूर्या में किसे मुंबई का कप्तान बनाना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान और फ्रेंचाइजी में विवाद छिड़ा हुआ है। मुंबई ने जब से हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन्स से ट्रेड करके मुंबई इंडियंस में शामिल किया था, ये विवाद यहीं से शुरू हो गया था। आखिर हो भी क्यों ना, रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। रोहित ने अपनी टीम को सबसे अधिक 5 बार आईपीएल का खिताब जिताया है। सबसे सफल कप्तान होने के बाद भी रोहित शर्मा से कप्तानी की जिम्मेदारी छीनकर हार्दिक पांड्या को दे देना कई सवाल खड़े करता है। जब रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया, तब इस विवाद ने तूल पकड़ ली। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया था। रोहित शर्मा के फैंस मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने में लगे थे। इसके बाद ऐसा लगा था कि विवाद थम गया है, लेकिन हाल ही में मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का कारण बताया। इस पर रोहित शर्मा की वाइफ रितिका का रिएक्शन आया था। रितिका ने कहा था कि मुंबई के कोच ने जो कुछ भी कहा उनमें काफी कुछ गलत है। ऐसे में ये विवाद बीते 2 दिनों से फिर से शुरू हो गया है। रितिका का ये पोस्ट काफी कुछ बयां कर रहा था। फैंस समझ गए थे कि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फैंस एक बार फिर से सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के खिलाफ कैंपेन चलाने लगे थे। इतना कुछ घटित होने के बाद इस विवाद पर पहली बार मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इशारों ही इशारों में पहला रिएक्शन दिए हैं। रोहित शर्मा ने समझा दिया कि उनका रिश्ता मुंबई के खिलाफ खराब हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं रोहित शर्मा ने क्या कहा। बता दें कि रितिका सचदेव ने जो बयान दिया था, रोहित शर्मा का ये पोस्ट उसके बाद आया है। इससे साफ है कि रोहित शर्मा ने रितिका के पोस्ट का समर्थन देने के साथ साथ काफी कुछ रिवील भी कर दिया। रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा कि ऑलवेज बी माई साइड। इसका अर्थ है कि रोहित शर्मा ने रितिका को सही ठहराया है। रोहित के इस पोस्ट के बाद फैंस समझ गए कि उनका इशारा हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस की ओर है। खास बात है कि रोहित शर्मा से जब से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीनी गई उसके बाद ये पहला पोस्ट है। इन दोनों के रिश्तों में खटास की वजह से ये दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने पर सिर्फ रोहित शर्मा ही नाराज हैं। रोहित के अलावा मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी नाराज हैं। खुद बुमराह और सूर्या ने अपने अपने तरीके से नाराजगी की जाहिर की थी। तो वहीं रोहित के मुंबई के कप्तानी पद से हटाने के बाद इन खबरों ने तो काफी तूल पकड़ ली थी। रोहित शर्मा मुंबई को छोड़कर दूसरे टीम का हाथ थामने वाले हैं। इस रेस में सबसे आगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। यहाँ तक कि कई सूत्रों ने यह भी दावा किया था कि रोहित शर्मा 15 करोड़ रुपए में आईपीएल 2024 के लिए दिल्ली के कप्तान बनने वाले हैं। हालांकि अब तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन ये संभव हो सकता है कि मुंबई इंडियंस से अपने रिश्ते खराब होने के बाद रोहित किसी दूसरी टीम का रुख कर सकते हैं। इसमें कोई भी हैरानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में किसे मुंबई का कप्तान होना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के मैदान पर आज खेला गया। इस मैच के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला, जो गिरा खुद कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जेम्स एंडरसन ने की। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करने के इरादे स्पष्ट कर दिए। तो दूसरी तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने इस ओवर की समाप्ति चौके के साथ की और दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में 12 रन बटोरने के साथ टीम को मजबूत शुरुआत दी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने टीम को आगे ले जाते हुए भारत को मजबूती दिलाने का कार्य किया। इस दौरान दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर के अंदर 50 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाज रेहान अहमद के सामने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने का कार्य किया। लेकिन इस बीच भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज एंडरसन के सामने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के लगाते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने का कार्य किया और इन्हीं के सामने शानदार चौका लगाते हुए
27 ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 29 ओवर के अंदर रेहान अहमद के सामने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और पहले सत्र का खेल भी शानदार तरीके से समाप्त हुआ। इस दौरान पहले सेशन के अंदर 120 रन बिना विकेट खोकर भारतीय टीम ने बना दिए और जैसे ही दूसरे सेशन का खेल प्रारंभ हुआ तो दोनों बल्लेबाजों ने और भी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने अब तेजी से टीम को आगे ले जाने का कार्य किया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक मात्र 46 ओवर के अंदर रेहान अहमद के सामने छक्का लगाकर पूरा कर लिया और अब शतक लगाने के लिए तुरंत बाद इन्होंने अपना विकेट भी दे दिया, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए टॉम हार्टली ने रोहित शर्मा को बाहर जाती हुई गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया और इस दौरान रोहित शर्मा 8 चौके और 4 छक्के की मदद से 109 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए, जिन्होंने पहली गेंद पर 2 रन लेकर अपना खाता खोला, तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल भी तूफानी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 55 ओवर के अंदर अपना शतक पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने गेंदबाज टॉम हार्टली के सामने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया और शतक सामने लगाने के तुरंत बाद अपना विकेट भी सत्र के अंतिम ओवर में दे दिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल को गेंदबाज शोएब बशीर ने 60 ओवर के अंदर आती हुई गेंद पर LBW आउट कर दिया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 126 रन की पारी खेली और अब बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार मैदान पर आए और इसी के साथ दूसरे सत्र का खेल समाप्त हो गया, जहां पर दूसरे सत्र के अंदर 125 रन भारत ने 2 विकेट खोकर बना दिए। इस दौरान भारतीय टीम ने दूसरे सेशन की समाप्ति तक 245 रन 2 विकेट खोकर बना दिए और जब अंतिम सत्र का खेल सामने आया तो फिर भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर कार्ड को आगे ले जाने का कार्य किया। इस बीच शुभमन गिल ने 65 ओवर के अंदर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज शोएब बशीर के सामने बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक लगाने के बाद और भी ज्यादा तूफानी बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए और 68 ओवर के अंदर मात्र 1 चौके की मदद से 24 रन बनाने के बाद गेंदबाज शोएब बशीर की गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और अब बल्लेबाजी करने के लिए KL राहुल मैदान पर आए, जो तूफानी बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने भी कुछ खास कमाल नहीं किया और आज अपना विकेट साधारण सी बल्लेबाजी करने के बाद दे दिया। इस दौरान गेंदबाजी करने के लिए 75 ओवर के अंदर आए जेम्स एंडरसन ने KL राहुल को अंदर आती हुई गेंद पर LBW आउट कर दिया। इस दौरान KL राहुल ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन का योगदान दिया। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए श्रीकर भरत मैदान पर आए, जिन्होंने ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाला और 83 ओवर के अंदर रेहान अहमद की गेंद पर LBW आउट होकर 3 चौके की मदद से 17 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और अब बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने 88 ओवर में जेम्स एंडरसन के सामने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और इन्हीं के सामने अंतिम ओवर के अंदर अपना विकेट दे दिया, जहां पर जेम्स एंडरसन ने शुभमन गिल को 12 चौके की मदद से 104 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया और अंतिम सत्र का खेल भी समाप्त हो गया, जहां अंतिम सत्र में 156 रन 4 विकेट खोकर बना दिए और भारतीय टीम ने पहले दिन के समाप्ति तक 401 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इस तरीके की तूफानी पारी को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट खुश हुआ और ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद तीसरे टेस्ट में की गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित की है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। जीत के बाद भी टीम के अंदर कर दिए 4 बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके तीसरे टेस्ट मैच के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस दौरान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के लिए प्लेइंग 11 में 4 ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिनको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव किए हैं, तो आपको बताएंगे ही, साथ में पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले टेस्ट मैच में हैदराबाद के मैदान पर इंग्लैंड की टीम ने 28 रन से जीत दर्ज की है और इसके बाद भारतीय टीम ने विशाखापट्टनम के मैदान पर 106 रन से जीत दर्ज की है। ऐसे में अब तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के मैदान पर 15 फरवरी को खेलना है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले अपने आप को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं और टीम में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर बेहतर बल्लेबाजी करने के साथ बेहतर कप्तानी करने की जिम्मेदारी है।
इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है, जिनके पास खतरनाक बैटिंग करने की काबिलियत मौजूद है, जिन्होंने 209 रन की तूफानी पारी खेली थी। ऐसे में यशस्वी जायसवाल के ऊपर एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया था। ऐसे में एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी है।